कुरान में लिखी गई है कयामत के दिन की तारीख। बाइबल में बताया गया है कैसे होगा दुनिया का अंत। दोस्तों, ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान में और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में भी दुनिया के अंत को लेकर हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। इन ग्रंथों में कल की अवतार को लेकर भी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। इन धर्मों को मानने वाले लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणियां 100% सत्य होना है और दुनिया का अंत बहुत ही निकट है। आखिर कुरान और बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं? कल की अवतार के बारे में इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, जानेंगे कुरान और बाइबल की और भी कई हैरान करने वाली भविष्यवाणियों के बारे में। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर क्या लिखा गया है। ईसाइयों की बाइबल एक पुरानी धर्म पुस्तक है, उसका कुछ भाग तो जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं ईसा मसीह से भी 600-700 वर्ष पहले का है। उसमें खासकर यहूदियों का इतिहास दिया गया है जो उस समय मिस्र, पैलेस्टाइन आदि में निवास कर रहे थे और जिनको निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। बाइबल में लिखा है कि इसबर ने यहूदियों को हुक्म दिया था कि अगर वे उसके आदेश अनुसार चलेंगे तो सुखी और मालदार बनेंगे, इसके विपरीत अगर वे उल्टे रास्ते पर चले तो उनको सख्त सजा दी जाएगी, अगर वे इससे भी ना सुधरे तो परमात्मा उनके शहरों को वीरान कर देगा, उनके दुश्मन बाहर रहने लगेंगे और यहूदियों को बिना घर बार के संसार भर में भटकना पड़ेगा। आखिर में जब भटकते हुए और तकलीफ पाते हुए उनको सात समय हो जाएगा तो परमात्मा फिर उनकी खबर लेगा और उनको इकट्ठा करके फिर उनके मुल्क को बसाएगा। यहूदियों के रहने की पुरानी भूमि पैलेस्टाइन का मुल्क है, वहीं पर उनका एकमात्र और परम पवित्र धार्मिक स्थान जरूसलम है। जिस प्रकार संसार भर के मुसलमान एकमात्र मक्का को तीर्थ मानते हैं और दुनिया के कोने कोने से उनकी यात्रा को जाते हैं, उसी प्रकार यहूदी भी सब प्रकार की कठिनाइयों को सहकर हजारों कोस से जरूसलम की यात्रा करने आते हैं। और पिछले कई वर्षों में सैकड़ों बड़ी बड़ी पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी जा चुकी हैं, जिसमें बाइबल की भविष्यवाणियों में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए ये कहा जाता है कि सात समय के समाप्त होने के अवसर पर यहूदियों के पैलेस्टाइन में बसने की भविष्यवाणियों के साथ ही बाइबल में और भी कई भविष्यवाणियां दी गई हैं, जिनमें सबसे बड़े संसार व्यापी युद्ध का वर्णन किया गया है जिसके फल से मानव जाति का एक बड़ा अंश नष्ट हो जाएगा। इसी अवसर पर अनेक प्रकार के ईश्वरीय कोप जैसे प्लेग, अकाल, भूचाल आदि के आने की बात लिखी गई है। अब चूंकि इनमें से टर्की की खिलाफत का अंत और पैलेस्टाइन में यहूदियों के बसने की बात सामने आ चुकी है, इसलिए शीघ्र ही अन्य बातों के होने की संभावना असंगत नहीं है। बाइबल की भविष्यवाणियों की व्याख्या करने वालों ने सात समय का अर्थ सात वर्ष बताया है। आइए अब जानते हैं बाइबल में कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। नंबर एक, सात समय का जमाना जब समाप्त होने को आएगा उस समय संसार की कैसी दशा होगी। इस संबंध में लिखा है कि उस वक्त चारों तरफ लड़ाइयां होने लगेंगी और लड़ाई की अफवाहें सुनाई देने लगेंगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा और एक सल्तनत दूसरे सल्तनत के खिलाफ। उस समय अकाल पड़ेंगे, महामारी फैलेगी और जगह जगह भूकंप आएंगे। यह हालात शुरू में ही होंगे और उसके बाद इससे भी कहीं ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। नंबर दो, बाइबल की भविष्यवाणियों में सात ट्रम्पेट्स का वर्णन भी विशेष रूप से महत्व का है। उसके मता अनुसार जब पृथ्वी के निवासी घोर पाप करने लगेंगे तो ईश्वर की तरफ से उनको दंड दिया जाएगा, उसी का वर्णन इन सात ट्रम्पेट्स में किया गया है। इनका वर्णन प्राकृतिक दुर्घटनाओं के रूप में किया गया है, पर कितने ही ईसाई धर्म विद्वानों ने यह भी कहा है कि उनका मतलब राजनीतिक हलचल और नाशकारी घटनाओं से है। जो कुछ भी हो, दर्शक बाइबल के मूल शब्दों को समझें। जब पहला फरिश्ता अपना ट्रम्पेट यानी बिगुल बजाएगा
तो पृथ्वी पर बर्फ का तूफान आएगा और आग और खून की बारिश होगी। इसमें पेड़ों का एक तिहाई भाग जल जाएगा और तमाम हरी घास जल जाएगी। दूसरा फरिश्ता ट्रम्पेट बजाएगा तो एक बहुत बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरेगा। इससे समुद्र का एक तिहाई हिस्सा खून हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले जीवित प्राणियों में से एक तिहाई मर जाएंगे और एक तिहाई जहाज से नष्ट हो जाएंगे। जब तीसरा फरिश्ता ट्रम्पेट बजाएगा तो एक बहुत बड़ा तारा गिरेगा जो दीपक की तरह प्रकाशित होगा। ये नदियों और पानी के स्रोतों के एक तिहाई भाग पर पड़ेगा। इस तारे का नाम बार्मवुड होगा। इससे जल स्रोतों का एक तिहाई भाग बार्मवुड हो जाएगा। यह पानी जहरीला हो जाएगा जिसके पीने से बहुसंख्यक आदमी मर जाएंगे। इसी प्रकार अगले ट्रम्पेट्स के बजने पर दुनिया में रहने वालों को दूसरी तरह की तकलीफें सहना पड़ेंगी और चौथे ट्रम्पेट से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश घट जाएगा। पांचवे से मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले टिड्डियों के आकार के जानवर पृथ्वी के भीतर निकलेंगे और छठे से आग और धुआं से मारने वाले सवार उत्पन्न होंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इन भविष्यवाणियों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि प्राचीन काल में प्रायः नियम था। उदाहरण के लिए टिड्डियों के आकार के जानवरों से, हवाई जहाजों और आग तथा धुआं से मरने वाले सवारों से तोपों और मशीन गनों का अर्थ समझ सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र और पृथ्वी पर पहाड़ तथा तारा गिरने का अर्थ स्पष्ट ही एटम बम और हाइड्रोजन बम फेंके जाने से माना जा सकता है, जो सचमुच ही पानी तथा खाने पीने की सभी चीजों को जहरीला अथवा मारने वाला बना देता है। नंबर 3, बाइबल में अकाल का जैसा भीषण चित्र खींचा गया है, वह भविष्यवाणी को निगाह से ही नहीं वरन प्रभावशाली लेखन शैली की दृष्टि से भी ध्यान देने योग्य है। वैसे अकाल हमेशा ही पड़ा करते हैं, पर युद्ध के समय उनका रूप और भी भयंकर हो जाता है। उस समय खेती बाड़ी करने वाले और उपयोगी वस्तुओं के बनाने वाले लाखों मजबूत आदमी फौज में भर्ती कर लिए जाते हैं, जिससे पैदावार स्वयं कम हो जाती है। फिर लड़ने वाली असंख्य सेना के पीछे रोज लाखों मन अनाज और दूसरी खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसके सिवा दोनों ओर की फौजों में से जो दुश्मन के देश के भीतर घुस जाती हैं, वे खेती बाड़ी और व्यापार की मंडियों तथा बाजारों को नष्ट करती चलती हैं। इससे अकाल और भी भयंकर रूप धारण कर लेता है। फिर आगामी युद्ध में तो इस बात की पूरी संभावना है कि एटम बमों के कारण खाने पीने के समस्त पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी का ऐसा घातक प्रभाव पड़ेगा कि जो कोई उनको व्यवहार में लाएगा वह 10-20 दिन में ही देह के भीतरी अंगों के गल जाने से मर जाएगा। इसलिए अगर युद्ध के समय लोगों को सबसे अधिक भयंकर अकाल का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाइबल में अकाल का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जब तीसरी मुहर खोली जाएगी तो उससे काले रंग का घोड़ा निकलेगा। उस पर जो सवार होगा उसके हाथ में एक तराजू होगी। वह घोषणा करेगा कि एक पैमाना गेहूं का एक सिक्का और तीन पैमाना जौ का एक हिस्सा होगा। फिर आगे चलकर लिखा है कि लोगों के चेहरे कोयले की तरह काले हो जाएंगे। वे गलियों में मारे मारे फिरेंगे। उनकी खाल हड्डियों से अलग होकर लटक पड़ेगी और शरीर सूखकर लकड़ी की तरह हो जाएगा। जो लोग तलवार से मारे जाते हैं वे उन भूख से मरने वालों की बनिस्बत सुख में रहेंगे। बाइबल के ईसा यहा विभाग में लिखा है, देखो ईश्वर ने पृथ्वी को उजाड़ बना दिया और वह सुनसान पड़ी है। इस भयंकर अकाल के बाद जो हाल किसानों का होगा वही जमींदार का होगा, जो कर्जदार का होगा वही साहूकार का होगा, जो हाल भिखारी का होगा वही हाल दाता का होगा। तमाम खेत सूख जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। पृथ्वी पर से चैन और आराम उठ जाएगा और चारों तरफ रंज ही रंज दिखलाई पड़ेगा। अनगिनत मनुष्य इस भयंकर काल में मरेंगे और पृथ्वी पर थोड़े ही आदमी बचेंगे। बड़े बड़े शहर उजड़ जाएंगे और घरों में ताले पड़े होंगे। सड़कों पर कोई आदमी फिरता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी आज्ञा दी है। नंबर 4, इन भयंकर घटनाओं के जमाने में दूसरी बहुत सी आपत्तियों के साथ एक महाभयंकर भूकंप के आने की बात भी बाइबल में लिखी गई है।
अनुमान से मालूम होता है कि उसका आशय प्राकृतिक भूकंप के बजाय राजनीतिक और सामाजिक क्रांति से ही है। भविष्यवाणी के शब्द इस प्रकार हैं, जब वह छठी मुहर को खोलेगा तो एक महाभयंकर भूकंप आएगा। सूरज बालों से बने कंबल की तरह दिखाई देने लगेगा। आकाश के तारे टूटकर जमीन पर गिरने लगेंगे। आकाश कागज के गोल पुलिंदे की तरह फटकर दो हिस्सों में अलग हो जाएगा। तमाम पहाड़ व टापू अपनी जगह से हट जाएंगे। दुनिया के बादशाह बड़े आदमी, अमीर लोग, बड़े बड़े सरदार और अधिकारी लोग सब कोई खूह और पहाड़ की गुफाओं में छिपने लगेंगे। वे उन पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमको उन न्यायकर्ता परमेश्वर के रोष से बचाओ। दर्शक यदि विचार करेंगे तो उनको स्पष्ट जान पड़ेगा कि ऐसी घटना राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के समय हो सकती है। प्राकृतिक भूकंप के अवसर पर तो अमीर और गरीब सब एक साथ मरते हैं, पर इस भविष्यवाणी में केवल अमीर और बड़े बड़े लोगों के नष्ट होने का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि यह कोई राजनीतिक और सामाजिक भूकंप ही हो सकता है। ऐसी अवस्था रूस, पोलैंड, रूमानिया आदि में पूंजीवाद का नाश होकर साम्यवाद स्थापित होते समय देखी जा चुकी है। नंबर 5, जब चौथा फरिश्ता अपना वायल सूर्य पर डालेगा तो उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वह मनुष्यों को भून डालेगी। भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर लोग परमेश्वर को गालियां देने लगेंगे कि उसने कैसी व्याधियां उत्पन्न की हैं। इसकी व्याख्या करते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि इस समय मनुष्य जाति की दुर्गति चोटी पर पहुंच जाएगी। जल, थल, सूर्य आदि जो जीवन के मुख्य आधार हैं, वही सब मनुष्यों को उनके पाप कर्मों का फल देने लगेंगे। कुछ दिन पहले जो लोग ऐसा आराम में मस्त पड़े होंगे, वे अब निरंतर रोते चिल्लाते और शोक करते दिखलाई पड़ेंगे। इस समय कितने ही दिन तक सूर्य प्रभु के ऊपर इतनी अधिक गर्म और जलाने वाली किरणें डालेगा कि मनुष्यों को अपने घर भट्टी की तरह जान पड़ने लगेंगे। तीसरे महायुद्ध में जब एटम बम और हाइड्रोजन बमों का प्रयोग होगा तब ऐसे हालात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका तेज और गर्मी भी सूर्य के सदृश ही होती है और उसके द्वारा मनुष्य और जीवित प्राणी ही नहीं पत्थर और मिट्टी भी जलकर धुआं के रूप में हो जाते हैं। नंबर 6, भावी महायुद्ध की यह भविष्यवाणी भी बड़ी रोमांचककारी है। भविष्यवाणी के कर्ता को ध्यान की अवस्था में निम्नलिखित दृश्य दिखलाई पड़ता है। मुझे दिखाई पड़ा है कि एक फरिश्ता सूर्य के प्रकाश में खड़ा है और कह रहा है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों इकट्ठे होकर आओ और ईश्वर के दिए हुए भोज में शामिल हो जाओ। इसमें तुमको बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं, कप्तानों, ताकतवर मनुष्यों, घोड़ों और उन पर बैठने वालों और सब प्रकार के बड़े और ऊंचे दर्जे के मनुष्यों का मांस खाने को मिलेगा। नंबर 7, भविष्यवाणी कर्ता ने ध्यान की अवस्था में होकर देखा कि मैंने एक फरिश्ते को आसमान से आते देखा। उसने शैतान को बांधकर अथाह गड्ढे में फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। इसके बाद 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सतयुग रहेगा। इसकी व्याख्या करने वाले एक विद्वान ने लिखा है कि इन 7 वर्षों की महाभयंकर घटनाओं में संसार की पूर्ण रूप से कायापलट हो जाएगी। लड़ाई और महामारियों से करोड़ों व्यक्ति खत्म हो जाएंगे और बड़े बड़े शहर सुनसान दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी की शासन व्यवस्था धार्मिक और नैतिक विचारों के संत पुरुष करने लगेंगे तो लोगों की सब तकलीफें मिट जाएंगी। उस समय लोग ईश्वरीय नियमों के अनुसार रहने लगेंगे, पाप तथा स्वार्थ के भावों को छोड़ देंगे। तब फौजी और जहाजी बेड़ों का नाम भी न रहेगा और लोग तलवारों को तोड़कर हल्का फार बना लेंगे। एक देश के निवासी दूसरे देश वालों से झगड़ा न करेंगे और युद्ध सदा के लिए बंद हो जाएगा। जंगल के खूंखार जानवर भी शांत हो जाएंगे। कोई मनुष्य छोटी उम्र में न मरेगा। इस युग में हुकूमत केवल उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी जिनका चरित्र शुद्ध तथा पवित्र होगा, जो नम्र, विनयशील और गरीबों को पसंद करने वाला होगा। इस उदाहरण में जैसे राम राज्य का वर्णन किया गया है, उसी को सच्चा साम्यवाद या समाजवाद भी कहा जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में जो सतयुग का वर्णन है वह भी बिल्कुल मिलता जुलता है, केवल शब्दों का हेर फेर है।
अब प्रजातंत्रवाद में समझदार लोगों को बहुत से दोष दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि उसमें वोट खरीदे और बेचे जाते हैं तथा चालाकी से प्राप्त किए जाते हैं। इस कारण ज्यादातर चलते फिरते लोग काउंसिलों और पार्लियामेंटों में पहुंचते हैं और अपनी अपनी पार्टी के लाभ का ही ख्याल रखते हैं। इसी प्रकार आधुनिक ढंग के साम्यवाद में या समाजवाद में भी पार्टीवंद का दोष पाया जाता है और आपस में ईर्ष्या देश का भाव भी बढ़ जाता है। इसलिए संसार की दशा का सुधार तब तक असंभव है जब तक समाज की बागडोर त्यागी और निस्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में नहीं जाए। बाइबल की भविष्यवाणियों से प्रकट होता है कि अब ऐसा समय आने वाला है। आइए अब जानते हैं मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान की भविष्यवाणियों को। मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान में कई जगह भविष्य में नवीन युग आने और वर्तमान दशा में घोर परिवर्तन की बात कही गई है। सूरत यासीन में कहा गया है कि हम जिसको भी आयु देते हैं उसे आखिर में अंधा कर देते हैं। यह लोग बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते? अगर बुद्धि से काम ले तो फौरन समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति की आयु निश्चित होती है, उसी प्रकार एक संप्रदाय या मजहब की भी उम्र निश्चित होती है, और बचपन जवानी तथा बुढ़ापे की सीढ़ियां तय करके मजहब मर जाती है जब खुदा दूसरी नई मजहब पैदा करता है। सूरत आले इमरान में लिखा है कि खुदा ने सब पैगंबरों से वचन लिया है कि जब तुम्हें किताब पैगंबरी दी जाए और तुम्हारे बाद खुदा की तरफ से कोई दूसरा पैगाम लाने वाला पैदा हो तो उस पर ईमान लाना और उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। मदीने की मशहूर किताब मकसूम बुखारी में लिखा है कि 14वीं सदी में कयामत आएगी और हजरत मेहंदी प्रकट होकर पापियों का अंत करेंगे। इस किताब में आगे चलकर लिखा है कि कयामत पास आ गई है, दो जग की आग भड़क उठी है, सारे संसार में अंधेरा छा गया है, आंखें खोलकर उठो और देखो कि दुनिया नाश के पर्दे में जाने वाली है, जो कुछ करना है आज ही करो। और भी कितने ही मुसलमान विद्वानों ने होनहार घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनकी मुसलमान जनता में प्रायः चर्चा हुआ करती है। इनसे मालूम होता है कि 14वीं सदी के अंत में एक बड़ा जालिम शासक पैदा होगा जिसका नाम दज्जाल होगा। वह बहुत शक्तिशाली होगा और अपने को ईश्वर बताएगा। उसका आतंक सारी दुनिया में छा जाएगा। अंत में कयामत का समय आएगा और हजरत मेहंदी प्रकट होकर उसे मारेंगे। अब मुस्लिमों की 14वीं सदी को समाप्त होने में 20-25 वर्ष का समय और शेष रह गया है। मुस्लिमों में आम तौर पर विश्वास करते हैं कि 14वीं सदी के समाप्त होने के आसपास दुनिया की हालत बड़ी ही हलचल पूर्ण हो जाएगी, बहुत भयंकर लड़ाइयां होंगी और मुसलमानी धर्म का अंत होकर कोई नया पैगंबर पैदा होगा जिससे दुनिया में नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।